हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एनकेपीजी पहुंच सकते हैं, कौन सी बिल्डिंग्स हैं और कैसा इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फैसिलिटीज़ यहां पे अवेलेबल है। ये मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, है ना। हो सकता है कि आप यहाँ रहें तो आपका एक्सपीरियंस अलग हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस में ही जज करना। बट मैंने जो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया 3-4 PGs में, उसके बेसिस पे मुझे इस PG में बहुत अच्छा लगा, वो चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप किसी PG में जाते हैं तो वो आपको फर्निश्ड आइटम्स में क्या क्या देते हैं। तो इस PG में सबसे बड़ी बात है कि आपको बेड, गद्दा, टेबल, कुर्सी, फैन, है ना। उसके अलावा आपको गीज़र, है ना, उसके अलावा जो है रूम क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें एज अ पैकेज आपको मिलता है, प्लस फ्री वाईफाई। तो आप अब दिल्ली में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए और इतना अगर सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है तो आपकी 50% चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसके अलावा इनके पास स्पेशलाइज्ड कुक है जो कि इनके साथ पिछले 15 साल से काम कर रहा है और उसका खाना बहुत ही अच्छा होता है, है ना। कभी कभी ऊपर नीचे होता है और हर किसी की फूड चॉइसेस अलग होती हैं, है ना। तो मे बी कि हर किसी को पसंद ना आए, लेकिन ओवरऑल खाना ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपका सेहत ख़राब ना हो और आप उसको रोज़ खा सकें, है ना। और ये सारी चीज़ें हैं। इन सब के अलावा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ SPG को अलग करता है वो ये है कि यहाँ पे 3 owners हैं और तीनों डेडिकेटेड हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। दे आर ऑलवेज 24/7 अवेलेबल। आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर जाइए उनके पास, दे विल लिसन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द ओनर ऑफ दिस PG हैं, अंकल जो हैं वो आपको अपने बेटा की तरह ट्रीट करते हैं। आप उनसे जाएंगे, कभी भी आप उनसे मिलें तो आपको लगेगा कि यू आर जस्ट होम। तो ये चीज़ बहुत ही खासियत है SPG की। और जो अमन मिश्रा हैं वो आपको कभी भी आप उनको अप्रोच करें, दे हैव अ वेरी हेल्पफुल नेचर। निकेश मिश्रा, दे हैव अ वेरी हेल्पफुल नेचर। आप कभी भी जाएं उनके पास, दे विल ऑलवेज लिसन टू योर कंसर्न्स, दे विल ऑलवेज डू मॉडिफिकेशंस आपके जो रिक्वेस्ट हैं। ऐसा दिल्ली में कोई नहीं करता है। आप जाएंगे, आप खुद रह के देखिए दिल्ली में, दे हैव अ वेरी प्रोफेशनल अप्रोच, है ना। पैसा दे रहो, रहो, जाओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स है कोई सुनने वाला नहीं होता है। ज़्यादा आप ज़्यादा डिमांड करोगे तो आपको कह दिया जाएगा कि निकल जाओ, पैसा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेट हो जाए, है ना। तो कोई टॉलरेट नहीं करता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से नहीं पता होती हैं, ये मैंने वहाँ खुद एक्सपीरियंस किया है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप अगर ऑनेस्टली कहीं पे रहना चाहते हैं, है ना, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, जो सर्विसेज है आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, है ना। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसी सिलसिले में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो PG का लोकेशन है वो काफ़ी अच्छे लोकेशन पर है, है ना। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स, कंजस्टेड, ये सब तो आपको, आप कहीं भी रहोगे उस एरिया में तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उस बिल्डिंग के आसपास क्या है ये देखने वाली चीज़ होती है। मेट्रो इज़ जस्ट 400 मीटर्स फ्रॉम दैट बिल्डिंग, राइट। एंड आपको कभी भी मेट्रो जाने, ऑटो पकड़ने, इन सब के प्रॉब्लम्स में कभी भी आप फर्स्ट, मतलब आपको कभी भी सफ़र नहीं करना पड़ेगा। आपके एग्ज़ाम्स हैं, है ना, आपको मेट्रो पहुंचना कैसे है इसके लिए नहीं सोचना है। आप नहीं चाहते हुए भी मेट्रो से ही ट्रैवल करेंगे, ये मेरा आपसे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ के लिए दिल्ली हेल्दी नहीं है, लोग कहते हैं, जबकि आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको बगल में ही DDA का बहुत बड़ा पार्क मिलेगा। और सिर्फ वो, मतलब ना सिर्फ वो वेल मेंटेन्ड पार्क है, फ्री एंट्री है, बल्कि वो पूरा एक फॉरेस्ट एरिया है और वहाँ पे रनिंग कोर्स बने हैं, है ना। और आप रोज़ इवनिंग में वॉक के लिए या रनिंग के लिए जा सकते हैं वहाँ पे। तो
ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड में रखना होता है कि आप कहीं रह रहे हैं तो आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फैसिलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप सारी चीज़ों पर एनालाइज करते हैं तो आप पाते हैं कि जो NKPG आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, ऐसा दिल्ली में नहीं कोई करता है। तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा है ना। और आप ज़रूर अगर आएँ तो इस जगह को एक ट्राई दें, है ना। और अगर आप मेरे बात से सहमत हैं या होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस PG को आप और भी लोगों तक पहुंचाइए, इस PG का जो वर्किंग कल्चर है, इस चीज़ को। और ये मेरा एक्सपीरियंस वीडियो है, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अच्छा ही है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो एक्सपीरियंस में जो चीज़ें मुझे बुरी लगी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप इनका एक बिल्डिंग है ना, बॉयज़ PG का Unit 2 बिल्डिंग है, तो वहाँ पे किचन एरिया नहीं है, तो फूड लाना पड़ता है। तो अब इन्होंने डेडिकेटेड वर्कर्स रखे हैं जो फूड ले आते हैं, खाना, रोटी, चावल, जो भी जैसे जैसे कम पड़ता है वो ले आते हैं। बट क्या होता है, एज अ स्टूडेंट यू ट्राई टू सेव टाइम, बट इस प्रोसेस में, फूड डिलीवरी के प्रोसेस में, टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, आप वेट कर रहे हैं, कोई ला नहीं रहा है, ये चीज़ एक्सपीरियंस होती है। बट ये छोटी चीज़ है जो फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, कि अगर आप इस प्रॉब्लम को बाईपास करना चाहते हैं तो भी एक सॉल्यूशन है कि आप मेन बिल्डिंग में चले जाएँ, किचन एरिया में ही चले जाएँ, है ना, वहीं पर डायरेक्टली जाकर खा लें। तो अगर आप अपना एक कल्चर ही बना लेंगे कि भाई मुझे इतने देर के लिए खाने का टाइम देना है और मैं उस टाइम पे मेन किचन में ही चला जाऊंगा, अपनी बिल्डिंग में वेट नहीं करूंगा, तो ये प्रॉब्लम भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट आई नो कि मतलब एवरीवन वांट्स एवरीथिंग एट देयर डोर स्टेप, है ना। तो पीपल वांट कि यहीं पे आए, इसी बिल्डिंग में आए, है ना, और फिर दे फ्रस्ट्रेट एंड दे यू नो डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो बी स्मार्ट, है ना, गो टू द किचन एरिया, ईट देयर टू बाईपास दिस प्रॉब्लम। सो दिस इज यू कैन से दिस इज अ नॉट सो गुड एक्सपीरियंस दैट आई हैड, है ना। समटाइम्स आई यूज टू ऑल्सो यूज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, बट इट इज फाइन एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग ऑल द एक्स्ट्रा सर्विसेज दैट दे आर प्रोवाइडिंग, राइट। सो दिस क्लीनिंग, एज फार एज क्लीनिंग इज कंसर्न, देर आर ऑलवेज यू हैव टू से कि क्लीन करवा दो, या दे इन्फॉर्म कि आज क्लीनिंग हो रही है। तो दे ऑल दो दे क्लेम कि मतलब फर्स्ट डेली क्लीनिंग होगी, बट है ना, यू हैव टू बी अटेंटिव अगर कोचिंग चले गए, है ना। बट दिस थिंग्स, अगेन आई एम सेइंग दैट दिस थिंग्स डजेंट हैव मच वेट ऑन इट, एज द थिंग्स दैट आर मेनली रिक्वायर्ड इज वेरी वेल हैंडल्ड बाई दिस पीपल। सो गिव इट अ ट्राई, इफ योर एक्सपीरियंस इज ऑल्सो सिमिलर डू कमेंट, एंड यू कैन ऑल्सो चेक द गूगल रिव्यूज ऑफ दिस PG। यू कैन फाइंड द लिंक बिलो, एंड देयर यू कैन फाइंड द कमेंट्स। वी हैव NKPG इज मेंटेनिंग अ वेल्दी हेल्दी आई मीन टू से हेल्दी रेटिंग ऑफ 4.4। इफ यू सर्च फॉर द रेटिंग्स ऑफ रेस्ट अदर पेजेस, दे आर नॉट इवन इन द रेस। सो एंड यू नो, गेटिंग अ गुड रेटिंग इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। सो यू कैन रीड द कमेंट्स ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, एंड आई कैन से दैट इफ यू आर हेयर यू विल बी मच हैप्पियर देन एनीवेयर एल्स यू हैव टू लिव। थैंक यू सो मच।